एवरीवन सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब सारिआं नूं। मेरे चैनल इज़ कुक ब्लॉग्स विद पूनिया ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी आलू बैंगन की सब्जी, जिहड़ी कि बनाउणी बहुत आसान है। हर एक घर दे विच इह बनाई जांदी है, पर हर एक घर दा जिहड़ा ढंग आपो अपना बनाउण दा, जिस ढंग नाल मैं बनाउणी है वह मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ। तो देखो बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी, बड़े तो बड़े जिहड़े छोटे बच्चे है वह भी चाह के इस सब्जी नूं खाणगे। जिस ढंग नाल मैं बनावांगी तुहाडे नाल शेयर करदी हाँ। तो चलो जिहड़ी आलू बैंगन की सब्जी है आपां बनाउणी शुरू करदे हाँ। आलू बैंगन बनाउण दे लई आपां बैंगन लवांगे ते आलू लवांगे। जिहड़े आलू है मैं ऑलरेडी कट लिए हैं, दो मैं बड़े साइज़ के जिहड़े आलू लए हैं ते उन्हां नूं कट लिया। कट के मैं पानी दे विच इन्हां नूं भिगो दिता, क्योंकि अगर आपां पानी दे विच नहीं इन्हां नूं पा के रखांगे आलू काले पै जाणगे। तो जिहड़ा इह बैंगन है भरथे वाला है, पर मैं इस तों जिहड़ा आलू बैंगन की सब्जी बना सकती हाँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। आपां इह तों भरथा भी बना सकते हैं तो आलू बैंगन की सब्जी भी बना सकते हैं। जिहड़ा इह बैंगन है मैं बाद च कट्टांगी, क्योंकि जिहड़ा बैंगन है ये भी कट्टे हुए पहला काले पै जाने, इस करके आपां इहदी कटिंग जदों बिल्कुल सब्जी बनाउण दे लई सारा कुछ आपणा तैयार होएगा उदों ही आपां कटिंग करांगे। उस तो बाद ये मैं लाए हैं दो वड्डे प्याज, इन्हां नूं मैं पीसिस कट लिया ते कुछ कलियां लसण दियां ते अदरक दा पीस ते एक हरी मिर्च। जिहड़ी ये ग्रीन मिर्च हैगी हरी मिर्च, ये भी जिहड़ी साडे घर दी मिर्च है ते बहुत ज़्यादा कौड़ी आ, इस करके मैं एक ही पावांगी। अगर तुसीं मिर्च ज़्यादा खाणी पसंद करते हो अपने टेस्ट दे अकॉर्डिंग, मिर्च ते जिहड़ा अपना नमक है तुसीं घट वध कर सकते हो। हुण आपां इन्हां सारियां चीज़ां दा एक पेस्ट बना लाँगे। इस पेस्ट तो बाद फिर आपां अलग तो जिहड़े टमाटर है इन्हां दा भी पेस्ट बना लाँगे। जिहड़े टमाटर मैं दो लै रही हाँ, एक मेरे कोल टमाटर जरा वड्डे साइज़ दा ते एक छोटा है, ते आपां इन्हां दा अलग तो पेस्ट बनावांगे। ते सब तो पहला हुण आपां इदां ही करदे हाँ, इन्हां दोनों चीज़ां दा पेस्ट जिहड़ा बना के तैयार करदे हाँ। जिहड़ी आपां इह आलू बैंगन की सब्जी बनावांगे ना, ते हर एक घर च बनाई जांदी है, पर हर एक घर दा जिहड़ा तरीका है वक्खरा हुंदा है। तो जिस ढंग मैं ये सब्जी बनाउनी है मैं थोड़े नाल वो जिहड़ा अपनी रेसिपी है सांझी कर रही हूँ, तो तुसी बना के देखना बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी है जिहड़ी अपनी बनेगी। तो जरूर ये तुसी बना के देखना तो मैनू अपने कमेंट्स देना। ये देखो भा अदरक प्याज तो लसण का जिहड़ा पेस्ट बना के रख लिया, तो टमाटर कट के उस मिक्सी के जार च आपां पा लिया। तो हुण आपां टमाटर का भी जिहड़ा पेस्ट है वह तैयार कर लैने हैं। तो इधर मैं कढ़ाई च पा के सरसों का जिहड़ा तेल है रख दिता गर्म होने के लिए, जदों इस धुआं जिहा थोड़ा उठ गया तो यह बिल्कुल जिहड़ा तेल है साफ हो जाएगा। आपां जिहड़ी आलू बैंगन की सब्जी है सरसों के तेल च बनावांगे। इस जिहड़ी सब्जी है ना सरसों के तेल च बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जिहड़े टमाटर सीगे आपां ने रखे उन्हां दी भी आपां प्यूरी है जिहड़ी बना ली है, तो बैंगन भी आपां कट के रख लिए हैं। तो तेल अपना ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो हुण आपां सब तो पहला इस आलू तो बैंगन नूं कढ़ाई दे विच फ्राई कर लाँगे थोड़ा जिहा। तो देखो आपां आलू पानी विचों कढ के जिहड़ा फ्राई होण लई पा दित्ते आ, ते हुण आपां थोड़ा जिहा आलूआं नूं विच हिला के ते फिर इहदे नाल ही आपां जिहड़े बैंगन आ उह वी फ्राई कर लाँगे। ये देखो आलू अपने काफ़ी हद तक जिहड़े फ्राई हो चुके हैं, तो हुण आपां नाल ही इहदे बैंगन पा दिंदे आ। तो आपां इहनां नूं हिलाउंदे हुए थोड़ा जिहा इहनां नूं बैंगणां नूं वी नाल फ्राई कर लाँगे। आलू बैंगन अपने जिहड़े फ्राई हो चुके हैं, आपां ने एक होर उन्होंने बर्तन के जिहड़ा कढ लिया है। ये देखो आलू बैंगन अपने कितने अच्छे तरीके फ्राई हो गए, तो आपां ने एक अलग बर्तन च कढ लिया इन्हां नूं। तो हुण आपां इस कढ़ाई च अगर तुहानूं ऑयल घट लगता तो तुसीं थोड़ा होर इहदे विच ऑयल जिहड़ा पा सकते हो, पर ये मेरे कोल जिहड़ा इहदे विच कढ़ाई च बच गया ऑयल पिछे वो काफ़ी है। तो हुण सब तो पहला आपां इहदे विच जीरा पावांगे, तो नाल ही मैं ये जी थोड़ी जी एक हाफ स्पून है जिहड़ा मैं दरड़ की हुई सौंफ का पावांगी। तुसी भी पा के देखना बहुत अच्छी फ्रैगनेंस आएगी, बहुत ही वधिया टेस्ट है जिहड़ा बैंगणा का बनेगा। ये एक्स्ट्रा आपां आम सौंफ जिहड़ी पाउंदे नहीं, पर यह मैं पाई है, तुसी भी इदां ही बना के जरूर देखियो, बहुत अच्छी फ्रैगनेंस ते बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हुण आपां पावांगे इहदे विच हाफ स्पून धनिया पाउडर का, थोड़ा जिहा भुन लाँगे। तो हाफ स्पून हुण आपां इहदे विच पावांगे हल्दी का, कि जिहड़ा इदां इहनूं भुन्नण नाल ना जिवें हल्दी भी आपां जिहड़ा पहलां ही पा दित्ती है जिहड़ा कलर सब्जी का बहुत अच्छा कलर आउंदा है। तो हुण आपां इहदे विच पावांगे पेस्ट जिहड़ा आपां अदरक लसण ते प्याज का पेस्ट बनाया सी। हुण आपां अदरक लसण दे पेस्ट नूं वी जिहड़ा नाल बहुत अच्छे तरीके नाल भुन्नांगे ब्राउन होण तक।
थोड़ा जिहा भुन के फिर थोड़ा जिहा आपां इहदे जिहड़ा पानी पा दांगे। तो अजे आपां इहदे विच सॉल्ट पाउणा है, तो हुण आपां हाफ स्पून है जिहड़ा सॉल्ट दा भी इस मसाले च ऐड कर दिंदे हां। सॉल्ट तुसीं अपने टेस्ट दे अकॉर्डिंग पा सकदे हो। अपना मसाला जिहड़ा अच्छे तरीके नाल भुज चुका है, हुण आपां इहदे विच पावांगे हाफ स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी नाल ते सौंफ नाल बहुत अच्छा फ्रैगरेंस है जिहड़ी सब्जी दी आएगी। थोड़ा जिहा भुन्नांगे ते हुण आपां इहदे विच थोड़ा जिहा पानी पा के दुबारा फिर इहनूं मसाले नूं आपां ने ड्राई कर लेना हलाउंदे होए। एक बार मसाला भुज चुका है ते हुण आपां थोड़ा पानी ऐड करके दोबारा फिर इहनूं ड्राई आपां कर लेना मसाले नूं। उहदे नाल बहुत अच्छी जिहड़ी टेस्ट है सब्जी दा आउंदा है। ते फिर आपां जिहड़े टमाटर ग्राइंड कीते सी ओह ऐड करांगे। ये देखो पानी बिल्कुल जिहड़ा आपां मसाले च ऐड कीता सी ड्राई हो चुका है। ते आपणे मसाले ने फिर जिहड़ा घिओ छड्ड दित्ता। घिओ जां तेल जो भी आपां यूज़ कीता सब्जी बनाउण दे लई, मैं सरसों दा तेल है जिहड़ा ओह यूज़ कीता, क्योंकि आलू बैंगन सरसों दे तेल च बहुत टेस्टी बणदे आ। ते हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे कश्मीरी रैड मिर्च जां देसी मिर्च, क्योंकि जिहड़ी इह वाली मिर्च है कौड़ी नहीं हुंदी पर इहदे नाल कलर सब्जी दा बहुत अच्छा हुंदा है। ते हुण नाल ही आपां पावांगे जो आपां टमाटर ग्राइंड करके रखे हुए हैं। देखो आपां ग्राइंड किए हुए टमाटर मसाले में ऐड करते, तो नाल ही थोड़ा जिहा पानी पा देंगे जिहड़ा मिक्सी में लग्या हुआ अपने मिक्सी के जार में। टमाटर नाल ही वह साफ हो जाएगा। तो हुण आपां दोबारा घिओ छड्डण तक फिर इस मसाले को भुन्नांगे। ये देखो अपने टमाटर भी बिल्कुल मसाले के नाल रल चुके हैं, बिल्कुल भुज गए हैं। तो एक बहुत वधिया जिहड़ा अपना मसाला तैयार हो गया। तो हुण आपां अपने फ्राई हुए किए हुए आलू बैंगन मसाले दे विच जिहड़ा ऐड कर दिंदे हां। तो बस थोड़ा टाइम आपां कुछ 5 मिनट ही पकावांगे, क्योंकि ऑलरेडी अपने आलू बैंगन है जिहड़े बने हुए हैं। देखो मिक्स करांगे जिहड़ी अपनी सब्जी है, इहदे विच बहुत अच्छी मेथी ते सौंफ दी बहुत अच्छी जिहड़ी फ्रैगरेंस है वह आ रही है। तो बहुत दिल कर रहा है कि कदों जिहड़ा खाना है खा लिया जाए, इस करके तुसीं भी इदां बना के देखना ते मैनूं अपने कमेंट्स देना। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ते शेयर करना ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना। ते हुण आपां 5 मिनट पकाउंदे आ। ते इक अपनी पसंद है, अगर आपां सब्जी बहुत जां बिल्कुल ही ड्राई पसंद करदे आ फिर तां आपां इहनूं इदां ही पका लांगे। अगर आपां थोड़ी इहनूं लिक्विड पसंद करदे आ सब्जी नूं, तां थोड़ा जिहा आपां इत्थे जिहड़ा पानी है ऐड कर लांगे ते 5 मिनट इहनूं पका लांगे। ये देखो अपनी सब्जी है जिहड़ी बिल्कुल बन चुकी है। हुण मैं गैस बंद करदी आ ते लास्ट विच धनिया ते गरम मसाला पा के मैं तुहानूं इक सर्विंग बाउल दे विच सब्जी है जिहड़ी कढ के विखाउंदी आ। ये देखो अपनी आलू बैंगन की सब्जी है जिहड़ी किन्नी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो तुसीं भी सारे बना के देखना ते मैनूं अपने कमेंट्स जरूर देना। मेरी वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सारे जणे खुश रहो ते हमेशा हसदे वसदे रहो।